बहुत बहुत मजेदार सा कलेजी फिफरा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। चलिए आइए देखते हैं हमने इसको किस तरह तैयार किया है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल फरमाए। मैं आज बकरे का कलेजी फिफरा बनाने लगा हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और देखेंगे किस तरह हम बनाते हैं। चलें, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, ये कलेजी फिफरे को मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। कढ़ाई में कलेजी फिफरा मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद प्याज थे, जिनको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया, मीडियम साइज़ के प्याज थे। ये प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज भी ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन लहसुन अदरक कूटा हुआ है, 4 टेबल स्पून है खाने के लहसुन अदरक, और साथ में 5 से 6 अदद जो है हरी मिर्चें हैं कूटी हुई, ये भी ऐड कर देंगे इसी तरह। अब इसको स्पाइसी करने के लिए मेरे पास सबसे पहले 1 टीस्पून जो है वो नमक है, वाइट मिर्च है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च जो कुटी हुई जिसे दादी मिर्च कहा जाता है वो 1 टीस्पून है, चिकन पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, ब्लैक पेपर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला है 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को अब हम इसमें डाल देते हैं, कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें 1/2 ग्लास पानी का ऐड कर देंगे, 1/2 ग्लास मेरे पास पानी है, पानी ऐड कर देंगे और अब हम इसको तब तक पकाएंगे तब तक ये गल ना जाए और इसका पानी भी जो अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। तो इसको एक मरतबा चम्मच के साथ यूँ हिला देते हैं और इसको डाल देते हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा और इसको डाल देते हैं। व्यूअर्स, मैं भूल गया था, यहाँ पे हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर लेंगे साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा जो कलेजी फिफरा है वो गल चुका है, पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए इसको इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 कप जो है कुकिंग ऑयल का डाल देंगे इसमें। यहाँ पे मेरे पास अब टमाटर हैं, जो फ्रीज़ किए हुए थे, मेरे पास दूसरे टमाटर नहीं थे, ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, इनको मैंने कूट लिया था निकाल के। ये 3 अदद टमाटर हैं, ये ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको एक मरतबा अच्छी तरह टमाटरों को पानी छोड़ लेने देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे साथ ही हम दही ऐड कर देंगे, दही 1/2 कप है मेरे पास। अब दही का पानी और टमाटरों का पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। ये 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करते हैं, टमाटरों का पानी और दही का पानी ड्राई हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, दही का पानी और टमाटरों का पानी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसूरी मेथी डाल दी है मैंने। अब यहाँ पे बारबेक्यू केचप है मेरे पास, ये ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून बारबेक्यू केचप। बारबेक्यू केचप भी ऐड हो गई है। अब हम फिर से इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए, इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, रेस्टोरेंट स्टाइल में पूरी बनेगी, हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे ग्रेवी कितनी मज़े की है, कितनी थिक ग्रेवी है और बहुत ज़्यादा बनी है। यही इसमें हमारी जिस स्टाइल में हमने बनाया है इसका यही बेनिफिट है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है, हम रोटी नान हर चीज़ के साथ हम ले सकते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा कलेजी फिफरा, जो कि बहुत मज़े का बना है, बहुत यमी बना है। चले फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़।
और इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके हम अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिश आउट कर लिए। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून। बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, ज़रूर घर में बनाइए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर मेरी रेसिपी ये वाली शेयर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरी रेसिपी अगर किसी को पसंद आए तो मेरी रेसिपी की पिक लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और जिस जिसको वीडियो पसंद आए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजिम क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बरवक़्त पहुँचता रहे। इसके साथ ही अपने भाई मियाँ उमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।